Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. We are in Salem in Tamil Nadu as we track the COVID crisis. And remember, when you open your newspapers or you watch your television channels, you hear the COVID death count told as data, as statistics. But behind every number is a real tragedy, a real struggle, a real moment of unspeakable sorrow. And इस समय हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर हमारे साथ सोहेल खान हैं, जिनके छोटे भाई खिजर, उनकी डेथ हुई कोविड से. लेकिन जैसे हम इतने परिवारों में देख रहे हैं, कोविड तो है, बट वॉट मोस्ट पीपल आर डाइंग फ्रॉम इज द लैक ऑफ टाइमली एक्सेस टू ऑक्सीजन, टू बेड्स, इन पर्टिकुलर टू ऑक्सीजनेटेड बेड्स. एंड दैट हंट इज रियली वॉट इज कॉज्ड द ट्रॉमा फॉर सो मेनी फैमिलीज. तो यहाँ पर जैसे कि मैं कह रही थी, हमारे पास यहाँ पे सोहेल भाई हैं और सोहेल भाई एक दुकान छोटी सी रेडीमेड गारमेंट्स की चलाते हैं. आपके जो भाई जिनकी डेथ हुई खिजर, उनकी एज बताइए पहले. उनका एज आता है 37. 37 और वो क्या काम करते थे? इंडियन ऑयल गैस कंपनी में काम करते थे चेन्नई में. तो आप ये भी देखिए कि 37 एक बहुत यंग एज है, ये भी अंडरलाइन करना चाहिए. और यहाँ पर खिजर की मदर है, अम्मी है. और आपका सबसे छोटा बच्चा था? छोटा बच्चा था. और उसके कितने बच्चे थे? उसके एक ही बच्चा था. कितनी उम्र? 11 महीने. 11 मंथ ओल्ड बेबी. डॉटर की सन? डॉटर. तो खिजर की 11 महीने जिनकी डेथ हुई है, 11 महीने की बच्ची थी. तो अम्मी, आपके लिए तो बहुत मुश्किल वक्त होगा. आप क्या बोलना चाहेंगी लोगों को? क्या बोलना चाहना, क्या ऐसा भूत भूत आको बेहद बीमारी आको. मेरा बच्चा बहुत वाखा पड़ को बहुत बहुत गुजरिया है. मुझे बहुत तकलीफ, बहुत दिल को वाखा होता है. मैं क्या बोलूँ, मैं अभी बहुत दर्द हो रहा है. बहुत दर्द होता है मेरा दिल. मेरा बच्चा नहीं सो, मुझे बहुत बहुत दिल दर्द होता है. क्या बोलूँ मैं. गुस्सा आता है? गुस्सा है कि दर्द है? दर्द है. दर्द है तो मदर में एक दर्द ही होगा ज़्यादा, गुस्सा शायद बाकी परिवार में है. क्योंकि मुझे सुहेल आप बता रहे थे क्या तकलीफ हुई. कुछ बताइए, क्या मुश्किल हुई, क्या मुश्किल रही उसको, मतलब हेल्प लेने में. और ये आप तस्वीर पकड़ के बैठे हैं, अपने भाई की, खिजर की ये तस्वीर है, हम दिखाएंगे बाद में. आप आराम से बताइए, हमें बताइए. उसको कोविड बोल के वहाँ से चेन्नई से इधर आया था. उसको बुखार थी थोड़ी बहुत. एक मिनट, वो चेन्नई में रहता था? हाँ, चेन्नई में काम करते थे. अच्छा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि बहुत सी जगहों में हम देख रहे हैं कि लोग एक शहर से दूसरे शहर अपनी फैमिली के पास आ रहे हैं हेल्प लेने के लिए, है ना. अच्छा, आप बताइए. उसको बुखार थी, बोला उधर बहुत तकलीफ हो रही है. बोला हम लोग बोले इधर आ जाओ, तुम अकेले उधर क्या कर वाखा पड़ रहे हो, उसके लिए इधर आ जाओ बोले सेलम को. इधर आया तो उसको दूसरा दिन ही कोविड पॉजिटिव बोल के रिजल्ट आ गया, SMS आ गया. उसको तुरंत लेके मैं GH गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया था. उधर जाके देखेगा तो उधर थोड़ा सा भी बेड भी नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं, कुछ भी नहीं था. जाके वो बोला सीटी स्कैन उठाओ. बोला सीटी स्कैन माने मन उठाया तो 25% ही दिखाया उसमें सीटी स्कैन में. वो भी तीन तो चार तो माइल्ड है. हाँ, माइल्ड है. चार घंटे वेट करके बाद में वो भी सीटी स्कैन के लिए लाइन में जाके खड़ के उठाया. फिर वो डॉक्टर के पास लेके जाके दिखाया तो डॉक्टर के लिए देखने भी टाइम नहीं है, उतना पब्लिक उधर पड़ी हुई है. वो देखा तो माइल्ड है, आप घर में होम क्वारंटाइन रह जाओ बोला था. अच्छा बोल के होम में लेके आके उसको घर में रखा था. 2-3 दिन ही बस घर में था. बुखार एकदम ज़्यादा हो गई, तकलीफ सांस की तकलीफ बहुत हो गई थी. फिर उसको लेके गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए तो उधर ऑक्सीजन ही नहीं है, सांस छोड़ने के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा था उसको. बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं था. हाँ, ऑक्सीजन का क्या बोले वो आपको बोले? वो ऑक्सीजन बेड ही नहीं है. ऑक्सीजन बेड नहीं है. ऑक्सीजन बेड के तुम्हारे बेड में जमाने के लिए बेड नहीं है इधर. तुम्हारे को ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन बेड नहीं है बोल दिया इधर. सो दिस हैज बीन अ रियल क्राइसिस इन सो मेनी प्लेसेस फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ, स्पेशली इन स्मॉलर टाउन्स. द लैक ऑफ एंड वाई स्मॉलर टाउन्स, वी हैव सीन इट इन आवर बिग सिटीज, इन दिल्ली वी हैव सीन इट, इन प्लेसेस लाइक गोवा, द लैक ऑफ एक्सेस टू एन ऑक्सीजनेटेड बेड्स. एंड रिमेंबर, दिस इज अ मोमेंट ऑफ हार्ट ब्रेक. इन पर्टिकुलर इफ द कैमरा टर्न्स टू द स्टेप्स,
How do you explain a tragedy like this to children? How do you tell the children of a family what has happened when the lives that are lost are so young? तो आप बता रहे थे सुहेल जी कि जब ये खिजर को आप लेके गए यहाँ सेलम के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो क्या बोले वो कि ऑक्सीजन बेड इधर नहीं है अभी वो बोला घर में रखो बोला फिर ऑक्सीजन बेड नहीं बोल के वो क्या बोलता है एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ था बीच में उसमें ऑलरेडी एक पेशेंट को ऑक्सीजन देता था उसको निकाल के इसको दिया उसको बाद इसमें आधा घंटा के बाद उसको दिया ऐसे शेयरिंग फॉर वन नाइट फुल बाद में फिर सुबह हुआ तो सुबह के लिए जाके फिर भी पूछा तो बेड इधर नहीं है बेड नहीं है बेड नहीं है बोला तो बाद में इधर छोटा इलाका है वो एड़प्पाड़ी बोल के उधर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड है बोल के उधर से सीधा लेके जाके उधर शिफ्ट किया उधर जाके ऑक्सीजन का बेड एक मिला बाद में वो बोल रहा है चार दिन उधर रख के कोई भी ट्रीटमेंट का प्रॉब्लम ही नहीं था ट्रीटमेंट ही कुछ नहीं था खाली सुबह में वो कोविड पेशेंट को सबको ड्यूटी नर्स बुलाएगी लाइन में खड़ा करके सबको एक एक इंजेक्शन डाल देंगे इंजेक्शन डाल के सबके तीन टाइम का दवा दे देंगे ड्यूटी नर्स ही खाली वो डाल के दवा दे देते बस कौन सा डॉक्टर भी आके नहीं देखा और दो तीन दिन के बाद में बहुत सांस की तकलीफ होगी उसकी एकदम सांस नहीं ले बैठे भी नहीं हुआ गवर्नमेंट कॉलेज में वो तीन दिन रहे हाँ तीन दिन फिर वहाँ से भी उधर एकदम कोई उसका इलाज का इम्प्रूव भी नहीं हुआ कोई इलाज का ट्रीटमेंट स्पेशल ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं था उसमें दवा जो देते हैं सब लोग को एक ही दवा देते हैं कोई अलग से दवा किसी को भी नहीं दिया था बाद में उसको खड़ने भी नहीं होता बैठने भी नहीं हुआ एकदम सांस की तकलीफ होगी वहाँ से लेके बाद में प्राइवेट के लिए हम उधर से ईरोड लोटस हॉस्पिटल गए उधर कम से कम एक 10 दिन बराबर से रखे थे वो थोड़ा रिकवर हुआ बाद में एकदम टोटली तो ईरोड सबसे पहले यहाँ से कितना दूर है यहाँ से 65 किलोमीटर से तो आपने उसको तीन दिन बाद गवर्नमेंट कॉलेज से विड्रॉ किया हाँ और आप ईरोड लेके हाँ ईरोड लेके ईरोड के हॉस्पिटल प्राइवेट था कि गवर्नमेंट प्राइवेट था अच्छा वहाँ कितने दिन रहे वहाँ 10 दिन थे बराबर और उसके बाद वहाँ क्या सा ट्रीटमेंट रहा वहाँ भी ट्रीटमेंट था उधर तो पैसा बन के तुम ट्रीटमेंट अंदर जमाने के लिए बोला 3 दिन के लिए पहले तुम 1,35,000 रुपये बनेगा तो तुम्हारे को एडमिशन डालेगा बोला इतना ज़्यादा हाँ 1,35,000 रुपये तुम पहले एडवांस पेमेंट बनेगा तो तुम्हारे को बेड मिलेगा यहाँ तो बेड नहीं है बोल दिया फिर उसको एडवांस पेमेंट 1,35,000 बन के उसको पहले अंदर जमाया एक बात बताओ एक ऑर्डिनरी इंडियन फैमिली के लिए 1,00,000 से ऊपर रकम देना कोई छोटी बात नहीं नहीं, नहीं तो आप लोग कैसे दिया पैसा तो इधर से उधर से पूरा कर्ज लेके डाला वहाँ पे फिर क्या प्रॉब्लम्स रही एक तो फाइनेंशियल हाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो बोला 48,000 के एक इंजेक्शन डालना बोला फिर उसको भी हम राजी करके कौन वो सा भी इंजेक्शन था हाँ टॉक्सिसोमैप है वो इंजेक्शन डाला था हाँ दिया था वो भी डाला था बाद में रेमडेसिविर मिलना बोल के वो भी बाहर से मंगा के वो भी डाला था 1 वीक अच्छा थोड़ा रिकवर हो गया था बाद में एकदम सांस की तकलीफ वो लंग्स में है ना जो उसका कोविड का वायरस जो अंदर बहुत अटैक हो गया था बोल के टोटली उसको सांस की तकलीफ बहुत होगी You know, we forget when we are chronicling this tragedy. And मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि एक ऐसे वक्त पे लोग पैसे के बारे में सोचते नहीं है लेकिन हम भूल नहीं सकते कि एक कि जान बचाना इम्पोर्टेंट है जैसे यहाँ पे इनके रिश्तेदार कह रहे हैं बड़े भाई हैं लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जान बचाना प्रायोरिटी होती है लेकिन एक फैमिली के लिए आसान नहीं होता ऐसे पैसे का बंदोबस्त करना आसान तो नहीं होता अम्मी आप इस पे क्या बोलना चाहेंगी क्योंकि आसान तो नहीं है नहीं बहुत बहुत मुश्किल बहुत खर्च होगा बहुत मुश्किल पड़े ही हमें लोग बहुत अभी क्यों संभालेंगे क्या करेंगे कर को नहीं मालूम होता हम लोग को बहुत परेशान ही हमें और सबसे ज्यादा आपको खतरा मतलब खतरा नहीं जो जो कहते हैं वरी वो अपनी छोटी ग्रैंड डॉटर के लिए होगा ना जो बेटे की बेटी है हो बहुत 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 दुख है ना बच्चे के लिए हम बहुत बाप कर को बड़े हो को पूछे तो हमें क्या बोलेंगे वो बच्चे को बाबा कहाँ दादी कर को मेरे पास पूछा तो बच्चे को मैं क्या जवाब देऊंगी कर को मुझे मालूम नहीं होता माँ मुझे मालूम होता नहीं बहुत दुख में हूँ माँ बहुत दुख में बहुत तकलीफ पड़ लग रही है मैं सभी बहुत पागली है बच्चा पूरा होकर पूछा तो हमें क्या जवाब देंगे बाप कहाँ कर को पूछा तो हमें क्या जवाब देंगे बोलो देखी ना क्या अभी क्या बोलेंगी आपने अभी कुछ अभी तो 11 महीने 11 महीने बाकी बच्चों को क्या समझाया आपने कि क्या हुआ है क्या बाकी बच्चे उसे एक ही बच्चा है नहीं परिवार के जो बाकी बाकी बहुत बहुत परेशान है हमारे बाकी बच्चे पूरे बहुत परेशान है सुहेल भाई जी अम्मी मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द आप बताइए सुहेल भाई की ये मैं सुन रही थी कि आपके फैमिली में और भी डेथ्स हुई है मतलब जो फैमिली इधर उधर है पूरे सब अलग अलग स्टेट्स में उनमें और भी डेथ्स हुई बताइए उसके बारे में कुछ मेरा मामू का लड़का है 31 ईयर्स है वो कजन आपका हाँ
31 इयर्स मामू का लड़का है, वो कहाँ रहता था? तिरुपुर में रहता था। उसको भी ऐसे ही बुखार आई, वन वीक या दो वीक उसको हॉस्पिटल में जमाए थे। बराबर मार्च 31 को उसका बर्थडे था, उस दिन ही रात ही इंतकाल हो गया कोविड में। और मेरा खाला का लड़का है, उसको भी 37 ईयर्स है, उसको भी बुखार आई थी, दो वन वीक या टू वीक्स हॉस्पिटल में था, वो भी कोविड का इसमें से वो भी इंतकाल हो गया। और वो इंतकाल हुआ तो उनके बाप को भी वो कोविड पॉजिटिव होगा था, उसके पहले बाप इंतकाल हो गया बाहर जाने से। वो बाप इंतकाल हुए तो बेटे को नहीं मालूम है, बेटा इंतकाल हुआ बाप को नहीं मालूम हुआ, ऐसा वो उनको ये हो गया, शॉक में हो गए। अभी मेरा भाई का भी जो है ना, वो इंतकाल के लिए डेथ के लिए उसके वाइफ के बाप आए थे, आके देख के बहुत एकदम अपसेट होके चले गए थे, जाके बराबर 10 ही दिन वो भी शॉक में ही हो गए इंतकाल। किसका किसका? सगे वाइफ का भाई है, वो बाप है, क्योंकि उनकी वाइफ के हस्बैंड की डेथ हो गई है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके भाई के जो ससुर है उनका भी डेथ हो गया सदमे से? जी जी, क्योंकि ये सने लॉ का डेथ हो गया, सने लॉ के डेथ में आए थे वो। खिजर के जो फादर इन लॉ है ये कह रहे हैं कि उनकी भी डेथ हो गई कोविड से नहीं, लेकिन जो एक सदमा लगता है, एक शॉक लगता है। मैं आखिर में ये पूछना चाहूंगी सुहेल भाई कि लॉकडाउन रहा है, आपकी दुकान भी नहीं खुली होगी? नहीं नहीं। ठीक है, तो कुछ इनकम भी नहीं रही होगी? मेरे ख्याल 2020 से कुछ प्रॉपर इनकम नहीं रही होगी, बीच में थोड़ा थोड़ा खुलता होगा। हाँ, बस उतना ही, वैसे ही। तो फाइनेंशियल चैलेंज भी काफी होगा, बहुत 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 तकलीफ में सब। अगर बहुत तकलीफ में। अगर आपको एक सेंटेंस में कहना हो कि सबसे बड़ा, अगर आप कहें कि आपको आज गुस्सा ज्यादा है कि दर्द ज्यादा है कि दोनों ही है? मेरे को दर्द से गुस्सा ज़्यादा है गवर्नमेंट के ऊपर। बताओ, गवर्नमेंट के ऊपर एकदम दर्द गुस्सा क्यों है? मतलब जो ये स्टार्ट हुआ कोविड, पिछले साल शुरू में स्टार्ट हुआ, जब से रह के ऑक्सीजन का इंतजाम करना था गवर्नमेंट नहीं किया, बेडों का इंतजाम करना था नहीं किया, और वैक्सीन का इंतजाम करना था वो भी नहीं किया। ये गवर्नमेंट क्या कर रहा है किसी को नहीं पता था, करता करता बोल के वो करता था वही इंतजाम ही नहीं किया। तो अभी वैक्सीन अभी बोल रहा है उसको सोल्यूशन वैक्सीन है, वैक्सीन का सोल्यूशन अभी किसी को वैक्सीन नहीं मिलता। अभी इधर तमिलनाडु में सेलम में देखे तो पूरा लाइन में खड़ा है, वैक्सीन नहीं है। और वो इलेक्शन का कंटेंट में चलते थे मोदी जी है ना, इधर से उधर पूरा इलेक्शन में पब्लिक को घूम घूम के इलेक्शन के कैंपेन में थे वो लोग। अभी वो लोग वैसा जाने से पूरा पब्लिक को एकदम ज़्यादा हो गया कोविड। अभी इधर भी इलेक्शन रहा तो बहुत पब्लिक को कोविड होके उसी में इफेक्ट ज्यादा हुआ था। एक और प्रॉब्लम भी है, तो वैक्सीन की शॉर्टेज तो पक्का है जी, लेकिन तमिलनाडु में खासकर लोग डर भी रहे हैं वैक्सीन लगाने से, ये भी गलत बात है। जी जी, वैक्सीन आप कह रहे हैं मिलेगी तो आप जरूर लगवाएंगे? जरूर जरूर। आपको एक शॉट भी लगा है? जी, मैं अभी लगाया हूँ। अम्मी को लगवाया? अभी नहीं, अभी अम्मी के लिए बुला के गया तो वो बोल रहे 65 इयर्स को नहीं, अभी 45 इयर्स तक ही मिलेगा, अभी 65 इयर्स के लिए वैक्सीन नहीं है। नहीं मिला अभी, नहीं भी वो बोल दिया। लगवाना जरूर, लगवाना जरूर, हम लोग लगवाने के लिए पूरा पब्लिक तैयार है, अभी वैक्सीन नहीं है, ऐसा होता है। अम्मी आखिर में आपको पूछूंगी, बट बेटे को तो गुस्सा है, आप क्या बोलना चाहेंगी देश के लोगों को? बच्चा तो चला गया, क्या बोलना चाहेंगी? फिर आने नहीं आता कि आप गुस्सा छे, मतलब गुस्सा भी है दर्द भी है दो भी है, क्या बोलना होगा फिर? जी बिल्कुल, यहाँ पर गुस्सा भी एक्सप्रेस किया जा रहा है, दर्द भी, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि फाइनेंशियल चैलेंजेस कितनी है छोटे छोटे परिवारों के लिए, छोटे छोटे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में भी। एक लॉकडाउन का ईयर रहा है, इकोनॉमी वैसे ही एक्टिव नहीं है, सो वी हैव टू रिमेंबर दैट बिहाइंड एवरी स्टेटिस्टिक, बिहाइंड एवरी डेथ कैजुअलिटी दैट इज क्रॉनिकल्ड एवरी डे, आर रियली टेल्स ऑफ struggle to get a hospital bed, to get oxygen, to get an oxygenated bed. Families have gone from hospital to hospital, entire families have been wiped out, children are being devastated by this emotional trauma. Do not let our people be mere numbers and mere data. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.